नमस्कार, न्यूज पीआर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। ऐश्वर्या राय बच्चन का आज यानी 1 नवंबर को 51वां जन्मदिन है। जब भी ऐश्वर्या राय का नाम आता है तो उनसे जुड़े अतीत के कई पन्ने ऐसे खुलने लगते हैं जब वह सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों बहुत दिन तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे और उनके फैंस ने भी उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया, लेकिन उनका ब्रेकअप इतना दर्द भरा था कि दोनों को गहरे जख्म दे गए और उनके परिवारों को भी काफ़ी कुछ सहना पड़ा था। एक कहानी तो ऐसा भी है कि सलमान खान ने ऐश्वर्या राय के घर के बाहर जाके खूब हंगामा भी किया था। इस पूरे हंगामे पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने कई साल पहले एक इंटरव्यू में रिएक्ट किया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह सलमान के पेरेंट्स ने मुश्किल घड़ी में उन्हें सपोर्ट किया, यहाँ तक कि वह सूट पर होती थी तो सलमान के घर वाले उन्हें फ़ोन करके खैरियत पूछते रहते थे। ऐश्वर्या ने इस बात से भी इनकार किया था कि सलमान ने उन्हें पीटा और देर रात घर के बाहर हंगामा किया था। जब ऐश्वर्या से पूछा गया था कि एक रात सलमान उनके अपार्टमेंट के दरवाजे को जोर जोर से पीट रहे थे और खूब हंगामा मचा दिया, वो क्या था, इस पर वह बोली थी, राय का पहाड़ बना दिया। मैंने रात भर देवदास की शूटिंग की थी और घर पहुंचने पर बुरी तरह थक चुकी थी। सलमान ने मुझसे बात की और कहा कि वह आ रहे हैं। मैंने एक कप हॉट चॉकलेट पी और कब सो गई पता नहीं चला। ऐश्वर्या ने फिर बताया था, मैं गहरी नींद से सो गई थी, मुझे पता नहीं चला कि सलमान कब आए, मैंने दरवाजे पर दस्तक नहीं सुनी। जाहिर है वह टेंशन में थे क्योंकि उससे आधे घंटे पहले ही उन्होंने मुझसे बात की थी। हाँ, उन्होंने लगातार दरवाज़ा खटखटाया, उनकी उंगलियों से भी खून बह रहा था, लेकिन जिस तरह अखबारों में ड्रामे के साथ लिखा गया वैसा कुछ भी नहीं था। कुछ घंटे बाद सलमान ने मदद के लिए अपने स्टाफ को बुलाया, मैं घबराहट से उठी। ऐश्वर्या ने आगे कहा था कि अगली सुबह मैंने अखबारों में पढ़ा कि मैंने सलमान को घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पापा भला किसी सिक्योरिटी स्टाफ को सलमान को घर में ना आने देने का निर्देशक क्यों देंगे, हम किसी आतंकी घराने से नहीं हैं, मुझे एक पीड़िता की तरह दिखाया गया, हद होती है, मैं ऐसी लगती हूँ जो घरेलू हिंसा और अब्यूज सहेगी, मैं सीढ़ियों से गिर गई तब मुझे चोट लगा था, उसमें भी खबर आई थी कि मुझे मारा पीटा गया था, मुझे इस बात का दुख है कि मुझे एक पीड़ित महिला के रूप में पेश किया गया।